आज का ये टॉपिक आपका एमपीपीएससी या फिर एमपी में आपके और भी वन डे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सुनते होंगे आदि महोत्सव के बारे में, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं आज। और आप देखेंगे एमपीपीएससी के लिखित परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, आपका 3 नंबर में, 6 नंबर में, या फिर आप देखते हैं कि आप देखेंगे कि निबंध भी बन सकता है इस तरह के, ठीक है, आपके एमपीपीएससी के लिए बता रहा हूं मैं। तो चलिए पहले मध्य प्रदेश की एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ आपको। वैसे तो आपका पूरा मध्य प्रदेश को सामान्य ज्ञान को एमपी जो भी स्पेशल है उसे विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, आपका एमपीपीएससी लेवल का पढ़ा चुका हूँ। तो बाकी एग्जामों की आप लोग छोड़ दीजिए, बहुत विस्तार से हम लोगों ने बात की है। तो प्लेलिस्ट सूची में आप लोग जाइए, आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल चुका है, फिर चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भूटान है, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो यह है बीच में आपका मध्य प्रदेश, जिसे आप लोग टाइगर प्रदेश के नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। इसकी राजधानी की बात करूं तो भोपाल है। और इससे अगर आपकी कहें कि कितने राज्यों की सीमा लगती है तो नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, यहाँ आपको छत्तीसगढ़, ऊपर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये 5 राज्य आपके क्या करते हैं, सीमा लगती है इनकी मध्य प्रदेश से, यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा इनसे लगती है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ की क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। आप जानते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था इसमें, ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान पहले नंबर पर पहुंच चुका है और भारत मध्य प्रदेश आपका दूसरे नंबर पर। अगर ऐसे वैसे हम लोग बताएं इसकी राज्य विधानसभा सीटों की तो 231, जिसमें से 230 आपको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, एक मनोनीत किया जाता है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 हैं, और माफ करिए, राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें आपकी 29 हैं। कितनी है? 29 हैं। और इसके अगर हाईकोर्ट की बात करें तो आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, और इसकी खंडपीठ की बात करें तो इंदौर और ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यही एक सामान्य जानकारी है। अब बात करते हैं आदि महोत्सव के बारे में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि महोत्सव मध्य प्रदेश के वर्चुअल संस्करण का शुभारंभ किया है। आप सभी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण और आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जो भी हो रहा है वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। गौरतलब है कि आदि महोत्सव के अगले संस्करण को गुजरात तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल पर केंद्रित किया जाएगा, तो इसे भी याद रखिए आप लोग। और कौन करता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय करता है इसे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आदि महोत्सव तो यह एक राष्ट्रीय जनजाति उत्सव है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी और तब से इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो याद रखिए, सबसे पहले तो पूछा जा सकता है यही कि कौन जारी एक तरह से इसकी पहल करता है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ के साथ दोनों मिलकर करते हैं। सबसे पहले कब की गई थी इसकी? तो आप जानते हैं कि 2017 में पहली बार, ठीक है। इस महोत्सव के उद्देश्य की बात करें तो आप लोगों को एक ही स्थान पर आदिवासी समुदाय के समृद्ध और विविध शिल्प एवं संस्कृति से परिचित कराना है। अगर बात की जाए संस्कृति की तो आप समझिए कि हमारे देश में अगर संस्कृति अगर आपको समझना है हकीकत में जो अपनी संस्कृति को बचाए रखे हुए तो वो है जनजाति, वरना हमारी संस्कृति आप देखिए कि किस तरह से माटी पलीत हो चुकी है। हमारी संस्कृति क्या थी? एक दूसरे की मदद करना। हमारी संस्कृति कई धर्मों को मानने की थी। आप देखते थे दीपावली हो, फिर आप देखते थे एक मकर संक्रांति होती थी, महीने भर पहले से आपकी तैयारी चलने लगती थी। आज हम देखिए कहाँ पहुंच चुके हैं, किस तरह से हम तैयारी करते हैं। और भी हमारी संस्कृति में पहनावा था, ओढ़ना था, उसे भी हम लोगों ने हटा दिया है, ठीक है। अभी भी आप देखिए कि आपने सुना भी होगा कि कई जनजाति इलाके ऐसे भी हैं कि इनके इलाके में आप प्रवेश करेंगे तो ये मार भी देते हैं। तो कभी इन क्षेत्रों में जाया करिएगा तो इनके बारे में सर्च करके पढ़ लिया करिएगा, जान लिया करिएगा। अभी आपने देखा होगा अंडमान निकोबार पर अमेरिकी एक नागरिक को मार दिया गया था इनके द्वारा। सन 2019 में इस उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था
और इसमें आदिवासी हस्तशिल्प कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण आदि की प्रदर्शनी और बिक्री की व्यवस्था की गई थी। तो 2019 के वाले को भी याद रखिए आप लोग। आदि महोत्सव का वर्चुअल संस्करण इस वर्ष ट्राइफेड द्वारा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से ट्राइब्स इंडिया की ई मार्केट प्लेस पर आयोजित किया जा रहा है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान भारत की सभी प्रमुख जनजातियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उन्हें अपनी कला प्रदर्शनी करने का अवसर दिया जाएगा। एक तो क्या है कि जनजाति सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं आपके, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वैसे तो ये टॉपिक आपकी सभी देश के किसी भी परीक्षा हो उसमें महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि इससे पहले आप देखते थे कि एमपीपीएससी में कई क्वेश्चन इसी से पूछ लेते थे, तो इसलिए थोड़ा एमपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी राज्यों में आप लोग इसके बारे में सामान्य जानकारी रख सकते हैं। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ की बात करें अगर हम लोग ट्राइफेड की, तो इसका गठन की बात करें तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। कब? 1987 में। संगठन की बात करें तो ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। उद्देश्य की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई काम करते हैं तो उसका उद्देश्य तो होते हैं, कोई संगठन अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य तो होगा। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने, ज्ञान उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों के सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है। पहल और भागीदारी की बात करें तो ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम के तहत ट्राइफेड द्वारा पूरे भारत में आदिवासियों से प्रत्यक्ष तौर पर खरीदे गए दस्तकारी उत्पादों को अपने 73 दुकानों और आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है। और याद रहे कि ट्राइब्स इंडिया अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई का अपना ये इसका ये क्या है, अपना एक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सूक्ष्म वन उत्पादों के संवर्धित मूल्य को बढ़ावा देने के लिए ट्राइब्स ट्राइफूड योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। इस योजना को भी आप लोग याद रखिए, पूछ लेगा कि किन से संबंधित है, किसकी संयुक्त पहल है, ठीक है। ट्राइफेड द्वारा वनधन योजना के तहत उत्पादन को बढ़ाने के लिए वनधन इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ट्राइफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित योजना के कार्यान्वयन में भी सहायता करता है, ताकि वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। ट्राइफेड द्वारा जनजातियों में उद्यमशीलता को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय महोत्सव के महत्व के संस्थानों के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेशनल टैग फॉर ट्राइबल्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये कहानी थी आपकी आदि महोत्सव के बारे में। इसके बारे में जो भी पॉइंट है उन्हें अच्छे से याद रख लीजिए। और एक बात और बताऊं आप लोगों को कि इनकी राज्यों की सभी की क्रम श्रेणी में एक तरह से किस श्रेणी में है, कहाँ कौन राज्य है, कितने राज्यों से इसकी सीमा लग रही है, विशेषकर अपने राज्य में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी की तो उसके जरूर याद रखा करिएगा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सा राज्य की सीमा अधिक राज्यों से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों से की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। और एक आप समझिए कि साधारण क्वेश्चन है, तो इनके लिए आप लोग मैप्स का सहारा लेकर समझते रहें, ठीक है। और याद रखिए कंठस्थ याद हो जाना चाहिए मुझे लगता है इनको, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। पढ़ते रहिए, ठीक।